समाजवादी पार्टी की इस बंद करो, इतना बात थोड़ा देर के लिए प्लीज बंद कर दो आप लोग। अरे खामोश हो जाओ, बोल रहा हूं ना, बात करने की समय वक्त है। आज मुंबई के अंदर देश को सांप्रदायिकता से बचाओ और देश बनाओ की इस महान रैली में मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से, आज अखिलेश यादव जी मुल्क के किसानों की, मजदूरों की, दबी कुचली लोगों की, खासतौर से मजलूम मुसलमानों की एक उम्मीद की किरण की तरह नजर आ रहे हैं। ऐसे अखिलेश यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। तालियां बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाते रहिए। अखिलेश यादव जी साहब के साथ चलकर आए आदरणीय राजेंद्र चौधरी साहब, पहली बार मुंबई किसी फंक्शन में आए हमारे मोहतरम आजम भाई के बेटे अब्दुल्ला आजम साहब, मेरा सिद्दीकी साहब, रईस शेख साहब, सुभाष पासी साहब, गणेश गुप्ता जी, ललन यादव साहब, अजय यादव जी, अब्दुल कादिर चौधरी साहब, रईस शेख साहब, तमाम नगर सेवक, तमाम समाजवादी पार्टी के, महाराष्ट्र के तमाम जिलों से आए हुए लोग, खासतौर से उत्तर प्रदेश से आए हुए तमाम हमारे मेहमानान, जिनका हम उनकी शायने शान इस्तकबाल नहीं कर सके, हमें इस बात का जरूर अफसोस है। जिनको मंच पर बैठना चाहिए था वो नीचे बैठे हुए हैं, लेट हो गए हम लोग, मैं उनसे माफी चाहता हूं और इन तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए दोस्तों, आज मैं अपने दिल की बात अखिलेश यादव जी के सामने रखकर इस देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिक ताकतों को नेस्त नाबूद करने का एक अहद लेना चाहता हूं। इन दिनों हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ भुखमरी, बेरोजगारी, माशी बदहाली और दूसरी तरफ ये इस देश में फिरका परस्त और फासिस्ट ताकतों ने इस देश के संविधान पे एक खतरा लाहा कर दिया है। इस देश के संविधान को की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानून कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं जब किताबों में पढ़ता हूं, हम 1947 में नहीं थे जब अंग्रेजों ने इस मुल्क को गुलामी की संजीर में जकड़ रखा था, तो इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरे मुल्क के तमाम साथ, तमाम बरादरी, तमाम घर के धर्म के लोगों ने अंग्रेजों के तहत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अगर सबसे पहला कोई नाम आता है तो आवाज नवाब सिराजुद्दौला की थी। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज निकालने वालों में नवाब सिराजुद्दौला, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, हजरत शाह वली मुहद्दिस दहलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत मौलाना विलायत अली साजिद पुरी, अबू जाफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, अल्लामा फजल हक खैराबादी, शहजादा फिरोज शाह, मौलवी बाकर शहीद, बेगम हजरत महल, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, अगर मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो कई लाख नाम हैं, कितने नाम लो जिन्होंने अपने बदन का आखिरी कतरा भी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने बदन का आखिरी कतरा भी निछावर कर दिया। 1857 की जब कदर इस मुल्क में हुई,
जब बलिया से मंगल पांडे ने आवाज लगाई, मंगल पांडे की आवाज पर अगर पहला कोई शख्स था तो उनकी आवाज की आवाज में गिरारा था, वो था बहादुर शाह जफर, हिंदू और मुसलमानों की एकता का वो मंदिर था इस देश के अंदर। अगर फाकुल्ला साहब का नाम आता है तो साथ साथ भगत सिंह का नाम भी आता है। अगर सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो जनरल शहनवाज का भी नाम आता है। लोकमान्य तिलक का नाम आता है तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम भी आता है। मुसलमानों और हिंदुओं की एकता इस देश में ऐसी थी। जब अंग्रेजों ने देखा कि इस देश में हिंदू और मुसलमान सब एक साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो अंग्रेजों ने एक साजिश किया कि बाकी डिवाइड एंड रूल, बांटो इनको। उस जमाने में मुसलमानों की मस्जिदों में सुअर काट कर डाल देते थे और हिंदू भाइयों की मंदिरों में गाय काट कर डाल देते थे। उस जमाने में भी मस्जिदों के पास बैंड बाजा बजाया जाता था। उस जमाने में भी फिरका परस्तों ने सूफी कला का नाम देकर कहा था, घर वापसी का नारा दिया था और वही आज भी हो रहा है देश के अंदर। गोरी चमड़ी वाले चले गए लेकिन आज वो अंग्रेजों के तलवे चाट कर बैठने वाली आरएसएस आज वही काम कर रही जो अंग्रेज इस देश में कर रहे हैं। मुझे कहना दीजिए, अगर इस देश की सरहदों पर पाकिस्तान से खतरा है जिसपे हमारे जवान पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान और चाइना से लड़ रहे हैं लेकिन देश के अंदर उससे ज्यादा खतरा आरएसएस है। आज आरएसएस आज हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रही है। इनकी अपनी कोर्ट हो गई है, इनकी अपनी पुलिस हो गई है। इस देश में आतंकवाद के लिए सेक्शन 121 से 130 तक संविधान में सेक्शन बने हुए हैं कि 121 से 130 तक कौन आतंकवादी है वो कोर्ट तय करता है, पुलिस तय करती है। लेकिन आज बीजेपी के लोग तय कर रहे हैं कौन आतंकवादी है। अगर उनके खिलाफ एक बात कर दो, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल दो तो कहेंगे ये देशद्रोही है। अगर आज इस देश का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह, जिसे अंबा विजय गुजरात में घुसने का परमिशन नहीं था, जिसे गुजरात में जाने का परमिशन नहीं था, कड़ी पाल कर दिया गया था, वो बहुत बड़ा नेता बन रहा है। आज ये लोग जाएंगे मुस्लिम महलों में और कहेंगे बोलो बोलो वंदे मातरम, और कोर्ट कहता है वंदे मातरम बोलना कोई जरूरी नहीं है, जो बोलेगा वो भी ठीक है, जो नहीं बोलेगा वो भी ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, इन आरएसएस के लोगों से, इनके परिवार वालों से कि तुम मुझे बता दो कि इस देश में इनकलाब जिंदाबाद का नारा तुम्हारे बाप ने दिया था या मुसलमानों ने दिया था। आज तुम वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हो। कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम जो पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन आज मुस्लिम महलों में जाकर एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में भगवा झंडा, तिरंगा झंडा एक हाथ में झंडा लेकर के जाकर के मुसलमानों के मुंह में अपनी जुबान डालकर कहते हैं कि मुसलमानों को गाली दे रहे हैं कि मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। याद रखना दोस्तों, जिनको पाकिस्तान जाना था चला गया, वो पाकिस्तान जहां हम बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं है हिंदुस्तान में। जो मुसलमान हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। इस देश में भारत छोड़ो का नारा देने वाला आरएसएस का नहीं था, वो मुसलमान था, यूसुफ मेहर अली जिसका नाम था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी तुम क्या दोगे?
सारे कुर्कुओं ने जहरी का नारा दिया था जिसका नाम ताफी हसन साफरानी था। तालियां बजाओ सारे, जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके गुलसिता हमारा, ये किसने नारा दिया था? अल्लामा इकबाल ने दिया था, वो भी मुसलमान था। मादरे वतन भारतवर्ष इच्छा का नारा देने वाला 1857 में असीम खान था, असीमुल्लाह खान, वो भी मुसलमान। अरे एक तो बताओ तुमने क्या किया, तुमने अंग्रेजों के तलवे चाटे और कहा कि जेल की सलाखों से छोड़ दो, हम आकर गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को मटिया मेल कर देंगे। तुमने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। आज गद्दी पर बैठ गए हो तो तुम्हारा दिमाग खराब है? झंडे तिरंगे झंडे का रंग किसने दिया? बाला साहब ठाकरे ने दिया क्या? किसने दिया मालूम है आपको? पता है आपको किसने दिया तिरंगे झंडे का ये रंग? वो रंग देने वाली भी सौरैया तैयब अली की तैयब दी थी, वो भी चंदा लगा आपने। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में है। किसने कहा था ये कहने वाले भी बिस्मिल अजीमाबादी थे। और आज हमसे कहा जा रहा है इस देश के आप गद्दार हैं अखिलेश भाई, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, इस देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं भाई भाई की तरह से। मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी करती है, हिंदू लड़कियां मुसलमान से शादी करती है। खुदा की कसम आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि जाओ किसी हिंदू लड़की को पटा के लाओ, उसको मुसलमान बनाओ, हम इस देश में मुहिम चलाएंगे। आज तक नहीं कहा। अगर दिखा दो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि कोई मुस्लिम संगठन आज हिंदू लड़कियों को ला करके अपनी बहू बना करके धन परिवर्तन करने की स्कीम कर रहा है तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी आज जाने को तैयार हूं। लेकिन ये आज खुलेआम कह रहे हैं, एक हिंदू संगठन खुलेआम कह रहा है कि बेटी बचाओ बहू लाओ, हम मुसलमानों की लड़कियों को लाएंगे पटाकर और उनको हिंदू बनाएंगे, उनका धन परिवर्तन करेंगे। और अभी मैं बोल दूंगा तो बेटा कलेजा फट जाएगा, मुझे भी झोलना आता है। आज इस देश में यह हो रहा है, इकलाब को मार दिया गया, जुनेद को मार दिया गया, गौ हत्या के नाम पर कितने लोगों को मारा गया। देश के अंदर आज कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हद तो यह है कि लोया नाम का जब भी मर गया। अगर अमित शाह के ऊपर शक है तो अगर इंसाफ है इस देश के अंदर तो सही से इंक्वायरी होना चाहिए। याद है अखिलेश भाई आपकी सरकार थी और एक जाउल हक नाम का एक पुलिस अफसर कहीं प्रतापगढ़ या इलाहाबाद में किसी की गोली से मर गया। मैं बहुत बारीकी से देख रहा था, उसकी बेवा ने कहा कि जाउल हक को मारने में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार का एक मंत्री जिसका नाम है राजा भैया वो शामिल है इसके अंदर। क्या बड़ा कलेजा था आपका, मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, मैंने 50 बार बोला है, एक मुसलमान पुलिस अफसर मार दिया गया और उसकी बेवा कहती है कि सीबीआई इंक्वायरी कराओ, उसकी बेवा कहती है कि राजा भैया इसमें शामिल है। अखिलेश जी ने बुलाया राजा भैया से, कहा कि तुम मंत्री पद छोड़ दो, जाओ अपनी परीक्षा देकर आओ, अगर तुम शामिल होगे तो तुमको सरकार में नहीं रखा जाएगा। वो हम बोल नहीं सकते। एक मजलूम कौम का मजलूम नुमाइंदा आपसे कह रहा है कि एक अफसर मार दिया गया और आपने पुलिस की इंक्वायरी लगाया, उसकी बेवा ने कहा नहीं सरकार अखिलेश यादव जी की है और वह राजा भैया एक बाहुबली तगड़ा मजबूत आदमी है, अखिलेश यादव जी की सरकार बेईमानी करेगी। अखिलेश यादव जी ने कहा क्या चाहती हो, कहा सीबीआई इंक्वायरी। खुदा की कसम अखिलेश यादव जी ने सीबीआई इंक्वायरी करवाया। और उसके बाद यही बात नहीं थमती, अखिलेश यादव जी ने 45 लाख रुपया उसकी बेवा को दिया।
और उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, वो औरत पूरा पैसा खा जाएगी। ज़ियाउल हक़ के परिवार को, माँ बाप को पैसा नहीं मिलेगा। इस आदमी ने 45 लाख रुपया और दिया उसके माँ बाप को। कौन है हिंदुस्तान में, कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार है हिंदुस्तान में, मुझे बता दो। मैं अपने दुश्मनों से पूछता हूँ, जब तुम कीड़े निकालते हो समाजवादी में, आज तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो एक बात बता दो, आजादी से आज तक किसने किया? आजादी से आज तक इस देश के अंदर किसी ने इंसाफ नहीं किया। खुदा की कसम मुझे याद है, मैंने अखबार में पढ़ा था, वह अरशद मदनी साहब दलित रोलमा का बयान, मुझे याद है। कितनी बातें बताऊं, बहुत टाइम चाहिए मुझे। ज्यादा की बीवी को नौकरी, जो औरत कह रही है कि अखिलेश यादव तुम बेईमानी कर रहे हो, तुम पुलिस की इंक्वायरी कराकर राजा भैया को बचाना चाहते हो, सीबीआई इंक्वायरी करवा, उस औरत को बुरा कर, उसको नौकरी दिया, पुलिस की बंदूक दिलाया, उसको सिक्योरिटी दिलाया, पुलिस अफसर बनाया उसको। मुझे याद है अखिलेश भाई, खालिद मुजाहिद का जब इंतकाल हुआ, मैं उस वक्त कहीं विदेश में था, उसके वालिद को मैंने फोन किया, उसके वालिद ने मुझे बहुत गंदी बातें बोली। खुदा की कसम मैं भाग कर आया और मैं लखनऊ की जेल में गया। मैंने जेल के अंदर हकीम तारिक इस्लाही जो उनके साथ जेल में बंद था, उससे मैंने पूछा कि तुम बताओ कि खालिद की मौत कैसे हुई। मैं तफसील में नहीं जाता हूं, एक मुसलमान हूं, झूठ बोलूंगा अल्लाह ताला मुझे जहन्नम रसीद कर दे। हकीम तारिक ने कहा कि आसिम भाई, उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, उसकी मौत जो है नेचुरल मौत हुई है, अल्लाह ताला ने उसकी जान लिया, किसी ने जान उसकी नहीं दिया। बता दो मुंबई वालों, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई, वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का, जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर छोले उगलता है, मगर इंसाफ की उम्मीद क्या हो ऐसी दुनिया में जहां पर मुजरिमों के हुक्म से कानून चलता है। 2500 लोग मारे गए थे मुंबई के फसाद में, आज तक एक आदमी को सजा नहीं हुई। 2500 के परिवार वाले आज भी चिल्ला रहे हैं, एक को सजा नहीं हुई। 25-31 पुलिस वालों का नाम था, वो सब आज भी घूम रहे हैं आराम से, उनकी नौकरियां बढ़ गई लेकिन सजाएं नहीं हुई। 257 लोग 12 मार्च के ब्लास्ट में मारे गए थे, दोनों के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन 257 लोग मारे गए, पूरा देश चिल्ला उठा। औरतों को लाकर नंगा करके बर्फ की सीढ़ी पर सुलाया गया, बाप से कहा कि बेटी के साथ रेप करो। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, इंसाफ नहीं है। इसलिए आज आपसे कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, पहले हिंद हो तो शैतान से डरते क्यों हो। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले हिंद हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम्ही लोग निशाने पे हो। सारे गम सारे किले सारे सिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों में कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं थी कि कोई घुस सके, और मैं आज भी कहता हूं अखिलेश भाई, मेरा चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के सीबीआई को, आरएसएस को, इंटेलिजेंस को, आओ मदरसों में सीसीटीवी लगाओ, मैं कैसे डूबगा, लाओ आरएसएस के सबसे कट्टरपंथी को,
एक साल तक मदरसे वाले खाना भी खिलाएंगे, कमरे में रहने की जगह भी देंगे और जो कुछ मदरसे में होता है सब कुछ टेप करके देख लो। एक साल के बाद कहोगे मदरसों से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती। मेरा चैलेंज है, लेकिन आपको शिशु मंदिर में भी जो 2 लाख स्कूल चल रहे हैं शिशु मंदिर के, वहां भी लगाने पड़ेगा CCTV। तुम क्या सिखाते हो इनको? तुम सिर्फ मुसलमानों की तारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हो। कहो जाकर के ये तारीख कैसे बुला सकते हो कि जब आजाद हिंद फौज बनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब फौज बनाई तो उसमें सबसे बड़े ओहदों पर रहने वाले मुसलमान थे और उस वक्त 1 करोड़ रुपया उस जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों से लड़ने के लिए देने वाला कोई था तो वो था मुसलमान मेमन कौन का था, इसी महाराष्ट्र गुजरात का रहने वाला। ये क्यों नहीं बता दे तारीख के पिकारी को, तारीख को मिटाने की कोशिश हो रही है। मैं कहना चाहता हूं मुंबई है अखिलेश भाई, इसी मुंबई से अली ब्रादरान ने खिलाफत हाउस में गांधी जी को लाया था। जब हिंदू और मुसलमानों के झगड़े चल रहे थे तो हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए गांधी जी को इसी मुंबई के खिलाफत हाउस में ला करके, और जो मुंबई से मुहिम चलती है ये पूरे देश में तहरीक बन जाती है। मुझे याद है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट कहां से शुरू हुआ था, भारत छोड़ो का नारा इसी मुंबई से दिया गया था और पूरे देश में तहरीक चली थी। आज आप आए हैं, एक नारा दे दीजिए आज कि फिरका परस्तो भारत छोड़ो, फिरका परस्ती बंद करो, ये हमारा नारा दे दीजिए आप। आज मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो काम आपने किया वो काम कोई कर नहीं सकता। 5 साल तक जिस ईमानदारी से आपने काम किया वो कोई नहीं कर सकता। मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से, अगर इंसाफ नाम की कोई चीज है यहां देखिए अखिलेश भाई, मुझे बनारस की स्थित नंदन मोदी जी की याद है। आपने अगर इस मुल्क में रहने वाले गरीब मुसलमानों की कब्रिस्तान के लिए फंड दे दिया था तो इसने कहा था कब्रिस्तान बन रही है अखिलेश यादव की सरकार में लेकिन शमशान नहीं बन रहा है। लेकिन उसको याद नहीं आया बनारस का वो इलाहाबाद का कुंभ मेला जिसमें कई हजार करोड़ देकर के आपने आजम खान साहब के साथ जो कुंभ मेले में काम किया था, अमेरिका ने बुलाकर स्वागत किया था, अखिलेश भाई आपने क्या काम किया? ये पहले आप सुने हो जाते हैं, झूठे हैं ये लोग। उसने बनारस में कहा था कि अखिलेश यादव जी की सरकार में मुसलमानों को रमजान में बिजली मिलती है, दिवाली में नहीं मिलती। तो ये सच है क्या? ये सच है क्या? आपने गरीब मुस्लिम मुसलमान के बच्चे बिचारे जो गरीब हैं उनको आपने लैपटॉप दे दिया था तो नरेंद्र मोदी जी का कलेजा फट गया था। इतने बीजेपी वाले जाकर अस्पताल में एडमिट हो गए हार्ट अटैक की बीमारी में। हम दुआ करते हैं अखिलेश भाई, मैं विदेश गया था, मैं टाइम शायद ज्यादा ले रहा हूं, मैं विदेश गया था। अरे कांदे का बुर्कर, मुझे चाय वहां बेचने से कोई नहीं, कोई अल्लाह पाक गधे को दूध भात खिलाए तो मैं क्या कर सकता। लेकिन भाई अगर नहीं आता देश चलाना तो अखिलेश जी से बात कर लेते, आके मिल लेते, कैसे देश चला जाता, सीख जाते। जाकर बोलते हो अभी स्विट्जरलैंड में बोलते हो कि मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। अरे भैया कुछ पढ़े लिखे हो कैसे ही वोट देते हो यार, पूरी दुनिया की आबादी 6.25 करोड़ है, वोट दे दिया। ये हालत है दोस्तों, कुछ नहीं जानता ये आदमी। भाइयों और बहनों मुझे 100 दिन दे दो, इस देश के अंदर एक आदमी के खाते में 15-15, 20-20 लाख आएगा, एक फूटी कौड़ी नहीं आज तक आई। नोटबंदी का कह दिया कि भाइयों और बहनों नोटबंदी का फायदा 50 दिन में देख लेना, देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश के अंदर खुशहाली आ जाएगी, इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, गरीबों को पैसे मिलेंगे। 50 दिन का सारा 23 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। और अगर नई खुशहाली आई ना किसी चौराहे पर लाकर मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देना। कहा तक नहीं कहा था, बोलो ना, फांसिया का फंदवा तैयार था। 2019 में मिली धोखे लगाए बांस ना बजे बांसुरी, छुट्टी कर दो आप, बात हो गया, बहुत सुन लिया,
ये ठकुरसले पार्टी नहीं चलेगी इस देश के अंदर। इसलिए आया हूं आपसे कहने के लिए दोस्तों, खासतौर से मुसलमानों से कहता हूं, हमारा मुसलमान बेचारा बड़ा अच्छा है, किसी का वोट बैंक नहीं बनता, सबको थोड़ा थोड़ा दे देता है और रोड पर बिठा देता है। अरे मुसलमानों याद करो, जरा सा याद करो, कितनी बातें बताऊं अखिलेश भाई की। नोएडा के अंदर एक मस्जिद थी, मुसलमानों ने मस्जिद को वहां के प्रधान से मांग करके गड्ढे भर करके दीवार बना के बाउंड्री बनाया था। एक अफसर थी, उसने आके बाउंड्री तोड़ने की बात की, मुसलमानों ने बड़ा हाथ पैर जोड़ा कि मत तोड़ो, रमजान का महीना है, हमको नमाज पढ़ने दो। नहीं मानी, तोड़ दिया मस्जिद की दीवार। अखिलेश भाई ताली बजाओ तुम लोग। यही अखिलेश भाई, सोनिया गांधी जी के पास गई औरत, पूरे ISIPS को जमा किया उसने। अखिलेश भाई ने कहा नहीं, इसने मस्जिद की दीवार को तोड़ा है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह से रोका है, मैं इसे कभी भी अफसर नहीं बनाऊंगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है बोलो मुझे। हम मुसलमान बेचारा अपना वोट बैंक कहीं यहां देता है कहीं वहां देता है, करता हो जाओ इन उंगलियों की तरह से नहीं, मुट्ठी बन जाओ, मुट्ठी बन जाओ अखिलेश यादव के साथ। याद रखना, फिरका परस्त को इस देश का मुसलमान, इस देश के मुसलमानों ने कभी मुसलमान को नेता नहीं माना, इस देश के मुसलमानों ने हमेशा गैर मुस्लिम हिंदुओं को अपना नेता माना है। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता रहे, आजादी के बाद वीपी सिंह नेता रहे, आजादी के बाद राजीव गांधी नेता रहे, और हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेता है, और आज हमारे अखिलेश यादव नेता है। मुसलमानों को क्या मिल रहा है? पूरे महाराष्ट्र से एक MP नहीं, पूरे गुजरात से एक MP नहीं, पूरे राजस्थान से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश खाली है, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब खाली है, पूरा गोवा खाली है, पूरा मिजोरम खाली है, एक मुसलमान इनकी चुनकर नहीं आता। देश में ये फिरका परस्ती चल रही है, आओ ये तय करो कि हम सब हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह से रहकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं कहता हूं विदेश आदमी जिसका कसम खुदा की राजनीति से कोई लेना नहीं, अखिल भाई जानते हैं, अखिल भाई बोलो मेरी बात को मानना, तुम याद है आपको मुझे कहा उसने दुबई के अंदर, कासिम भाई मैं टेलीविजन पर देखता हूँ एक शख्स जिसका नाम अखिलेश यादव, आप जानते हो? अरे मैं बोला मेरे नेता है भाई, मैं जानते हो, मिलते हो कह देना मुझे। उसने मुझे कहा अखिलेश भाई से कह देना कि पूरे हिंदुस्तान का सिनेरियो शासक का देख रहा हूँ, अखिलेश भाई आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सियासत के मालिक आप हो। आपके सामने 30-40 साल है और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अखिलेश यादव के हाथ में है। आप मुंबई आए, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, शायद हम आपकी शान शान आपका इस्तकबाल नहीं कर सके, लेकिन खुदा की हम पलकें बिछाकर आपका सब स्वागत करना चाहते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, बहुत आभारी हूँ, मैं नहीं भूल सकता इस बात को, नेताजी ने जो एहसान किया है, बाबरी मस्जिद को टूटने से बचाया नेताजी ने, आज मुकदमा चल रहा है, एक पद्मावती फिल्म सुप्रीम कोर्ट कहती है चलने दो, ये कहते हम नहीं चलने देंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानना हमारे आस्था का सवाल है। मुझे बोलो इंसाफ पसंद हो कि जब कल बाबरी मस्जिद का फैसला होगा और अल्लाह ने चाहा 500 साल की मस्जिद मंदिर भी बन सकती है, मस्जिद भी बन सकती है, दोनों फैसला हो सकता है ना, ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। अगर मंदिर का फैसला आया तो मुसलमान कहता है कि हम पूरी ईमानदारी से उस मंदिर का स्वागत करेंगे, बनाओ मंदिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पूरे हिंदुस्तान का कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमान कहता है, समाजवादी पार्टी के पूरे लीडर कहते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया हम मानेंगे। एक फिल्म पद्मावत की आई, ये कहते हम नहीं मानेंगे। तो अगर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि मस्जिद बनाओ तो क्या होगा, कौन बताएगा उसको? योगी गुंडा आदमी, कितने केसेस से विड्रॉ किए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर के गुंडों पर, जो केसेस किए थे विड्रॉ किए जा रहे हैं, सारे गुंडों पर पूरी छूट दी जा रही है, लाकर बिठा दो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की गद्दी पर समाजवादी पार्टी को। मेरे नेता ने अनमोल खजाना दिया अखिलेश यादव की शक्ल में, अनमोल खजाना दिया, एक दिलदार नेता दिया है,
और अखिलेश यादव की अगर सरकार बन गई ना तो इस देश में हिंदू और मुसलमान सदन के जिस्म में दो आंखों की तरह होंगे। अगर एक आंखी खराब हो गई तो ये देश सुरक्षित हो जाएगा। नारा लगाओ अखिलेश यादव जिंदाबाद, दोनों हाथ उठाकर लगाओ अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव हल्ला बोल, पूरे देश में हल्ला बोल, जिंदा प्रस्तों पर हल्ला बोल। अरे अभी तो ये अंगल आई है, अभी तो ये अंगल आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।